अगर 300 साल पुराना हुआ मंदिर ढहाया गया तो आपकी स्टेट लीडरशिप कहाँ थी? वो भी बुलडोजर के आगे आकर खड़ी हो जाती। बिल्कुल खड़े हुए थे साला सर बालाजी के मंदिर के सामने जो राम था लोकल बॉडी स्थानीय निकाय की। अबे जी इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। उन्होंने ढहाया है जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, कांग्रेस पार्टी आस्था रखती ढहाने का काम किया है। और अबे जी देखिए राजस्थान में आकर जब आप आसपास की बातें करते हैं तो राजस्थान के लोग भी देख रहे हैं कि कितनी संवेदनशीलता राजस्थान के लोगों के लिए। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर वन, महिला अपराध में नंबर वन, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा किसानों ने यहाँ आत्महत्या की, बेरोजगारी में सबसे नंबर वन। ऐसे राजस्थान की जो दुर्दशा आपने की है 25 तारीख को आपको जवाब मिल जाएगा। आप कितनी भी बातें कीजिए लेकिन लोग जानते हैं कि जिस तरह का आपने काम किया है, जिस तरह से आपकी झगड़े के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार रही, आधी पार्टी कुर्सी खींचने में, आधी पार्टी कुर्सी बचाने में रही, नकारा निकम्मा करोना गद्दार, किसानों का 200 यूनिट शब्दों का प्रयोग किया। और आप तो वो पार्टी के लोग हैं जिनके साथी लोग सनातन धर्म के बारे में किस तरह की बातें करते हैं और सनातन धर्म को गालियां देने वाले लोगों के सहयोगी किस मुंह से सनातन धर्म की बात करते हैं। अब तो वोटों की राजनीति है और मुझे लगता है कि ये सनातनियों का ही एक जीत है कि अब प्रियंका वाड्रा को और राहुल गांधी को मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है, टेम्पल रन करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस पार्टी का टेम्पल रन जीत है। कांग्रेस पार्टी जो है वो चलेगी। दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से राखी जी यहाँ पर हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे आपके सामने हैं। आप खुद तय करें कि यहाँ की राजनीति और यहाँ की लड़ाई किस तरीके से है। एक चर्चा चल रही है, दो प्रवक्ता भी एक एक करके अपनी बात नहीं रख सकते, ये जनता है सब जानती है। आप खुद देखिए, खुद एसेस करिए। अगर आप अभय जी मेरे सवाल का जवाब देना चाहें और अगर राखी जी के बीच में ना बोलना चाहें तो मैं अगला सवाल आपके सामने रखती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो यहाँ की जनता भी पूछ रही है कि क्यों यहाँ पर इतना खून खराबा हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार ने क्या किया? देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक महिला सुरक्षा का प्रश्न है तो एक बात मुखरता से अशोक गहलोत जी की सरकार ने कही, उन्होंने कहा कि जो हीनियस क्राइम्स हैं उसको लेकर स्पेशल मॉनिटरिंग होगी और एक आदेश पारित किया कि हर क्राइम को रजिस्टर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में ये करते हैं कि अपराध पंजीबद्ध नहीं होने देते। हमने हाथरस से उन्नाव तक देखा, हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा उन्नाव के केस में कि पोस्ट पिलर वो लड़की भागती रही, दर दर की ठोकरें खाती रही, 8 महीने पहले मुख्यमंत्री को दरख्वास्त दी मगर ये अपने विधायक को बचाते रहे। हमने देखा हाथरस में रात के अंधियार में उस बिटिया को पेट्रोल डालकर सरकार की सरपरस्ती में जला दिया गया, ये कम से कम राजस्थान में नहीं होता। और जहां तक क्राइम अगेंस्ट वीमन का प्रश्न है तो सबसे अधिक जानती है कहां पर है, सबसे अधिक अपराध दर महिलाओं के खिलाफ है असम में जो भारतीय जनता पार्टी शासित है, उसके बाद हरियाणा में है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं राजस्थान के लोग अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कि हम महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं की सुरक्षा से के लिए दृढ़ता से कदम उठाएंगे। हमने जो 40 लाख महिलाओं को चिन्हित करके स्मार्टफोन दिए हैं उसका उद्देश्य भी है कि स्मार्ट अलर्ट उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम ऐप इंस्टॉल करेंगे ताकि उनको स्मार्ट अलर्ट आए और हम सरकार चाहती है कि उनकी सुरक्षा में कोई खामी नहीं रहे। इसलिए ये सिर्फ राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, राजस्थान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं जब वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि राजस्थान के लोग शक्ति संपन्न नहीं है कि अपनी शक्ति स्वरूपा महिलाओं की वो रक्षा कर पाए। मुझे दुख होता है, शर्म आती है। फिर प्रधानमंत्री जी किस हैसियत से कहते हैं कि डबल इंजन क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का प्रश्न है? मैं पूछना चाहता हूं निर्भया के फंड में कितना पैसा उन्होंने दिया, वन स्टॉप सेंटर के लिए पैसा रोक क्यों दिया? जवाब देने दीजिए। और मुझे अच्छा लगा कि महिला सुरक्षा पे बात अभय जी कर रहे थे और मुझे विश्वास है कि अब की बार जब मैं महिलाओं जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलूंगी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे सर, देखिए फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए, रुकिए सुन लीजिए सर, देखिए सुन लीजिए आप राजस्थान की बात नहीं करेंगे, इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, अटकेंगे, लटकेंगे तो मैं पकड़ूंगी आपको वापस। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 3 साल से भारतीय राजस्थान जो है वो लगातार जो है वो नंबर वन आ रहा है रेप के केसेस में, इस बात से ये मुकर जाएंगे। ये कह रहे थे कि अभी हमने अपराधी जो हैं सारे अपराध जो है उनकी रजिस्टर जो है उसे कंपलसरी कर दिया। मीनाक्षी मैं याद दिलाना चाहूंगी इनके कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, उनके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के लिए महिला को दिल्ली जाना पड़ता है, वहां 0 FIR दर्ज होती है। जौहरीलाल मीणा का बेटे के ऊपर जो विधायक है इनके, उनके बेटे के ऊपर रेप का केस होता है, पुलिस वाले रजिस्टर नहीं करते हैं। टोडा भीम के अंदर एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता है,
उसके जो परिवार के लोग हैं वो पुलिस थाने में जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। भीलवाड़ा के अंदर आपने भी कवर किया होगा उस स्टोरी को, जब एक बच्ची को भट्टी में डाल दिया जाता है दुष्कर्म के बाद में। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के लोग जो हैं इस तरह से सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं महिला के लिए, एक बालिका के लिए। क्या क्या राजस्थान की बेटी, राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है। 2 लाख से ऊपर महिला अपराध की घटनाएं यहाँ पर हुई, 35,000 से ऊपर दुष्कर्म के केसेस, 15,000 से ऊपर छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के केसेस हुए। क्या ये आंकड़े घबराने वाले, रोंगटे खड़े करने वाले नहीं है? जब राजस्थान में आकर के इस तरह की आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान की महिलाएं ये सोचती हैं कि कांग्रेस वाले लोगों को राजस्थान की बात करने की फुर्सत नहीं है। 40 लाख मोबाइल की बात कर रहे थे, मैं तो कहूँ एक एक योजना का पोल खोलने के लिए तैयार हूँ मैं अभय जी। आपने जो जो योजनाएं बोली हैं, आपने, आपके ही मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 1,40,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे, 40 लाख महिलाओं को आउटडेटेड मोबाइल फोन दिए और उनका भी डेटा, किन किन महिलाओं को फोन दिए गए वो भी डेटा सार्वजनिक कर दिया गया। अभी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग से सेल बनाई लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगी मीनाक्षी जी, ये जो बातें ये मुझे समझा रहे हैं या जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिव्या मदेरना आपकी विधायक को समझाएं जिन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। आप सोचिए कि जब इनकी विधायक यहां सुरक्षित नहीं है तो मेरी जैसी आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? इसको मानने को तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, 56% केसेस महिलाएं रेप के झूठे दर्ज कराती है, महिलाओं के ऊपर गाली है। इनके कैबिनेट मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि हाँ राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और इसलिए रेप में नंबर 1 है। शर्म अब आनी चाहिए अभय जी आपको, शर्म इतनी ज्यादा आनी चाहिए कि उनका, उसको आपने फिर से उसी मंत्री को फिर से आपने आपकी बार टिकट दिया, एक ऐसे मंत्री को जिसने विधानसभा में महिलाओं के बारे में किस तरह की बातें की, शर्म कीजिए आप।